एक छोरा बका दिया कुत्ता पा चला दिया, कुत्ता गया फौज में नाचो सारे मौज में। एक छोरा बका दिया कुत्ता पा चला दिया, कुत्ता गया फौज में नाचो सारे मौज में। भाई बोल ही सकता हूँ मैं, गा तो सकता ही नहीं। मैंने जब वो गाना सुना तो मैं खुद रो पड़ा। पहले तो देखी दान में आराम में दीप तो कुछ बोल, नाचो 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 अल्बिनो अल्बिनो अल्बिनो। जितने भी उस पर बढ़िया कमेंट है ना, हाँ। वो सारे फर्जी हैं, हम पाछे थोड़ी रहेंगे। और कई बार मेरे दादाजी ने भी मेरी पिटाई करी उस चीज को लेकर। तो वहां पे हरियाणवी सॉन्ग्स को बड़ा फुद्दू माना जाता है आज भी। हमारी प्लानिंग ऐसी है कि इस बार वो इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा अवार्ड शो होगा। जान बूझ कर मेरी सीढ़ियां मार्केट में नहीं भेजी गई। मैं ना सबसे पहले ना बात इसके बारे में करना चाहता हूँ कि 2010 में जो आपने गाना निकाला था ना दारू पी लो नाचो नाचो, वो गाना बहुत क्वर्की था। ये बात आप मानो चाहे नहीं मानो, ये बात हमें कैसे पता चली, क्योंकि मैं ये गाना जब मैंने सुना था तो मैं करीब 9th से 8th क्लास में था। तो हम बड़ा इन्जॉय करते थे गाना सुन के कि यार क्या गाना बना दिया, कौन है आर्टिस्ट। और हमारे पास ओरिजिनल सीडी थी, उसके ऊपर स्टिकर भी था इसलिए ओरिजिनल सीडी थी। तो उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन रिसेंटली जो पिछले साल जो मेरे यूट्यूब में रिकमेंडेशन में आ गया वो गाना, अच्छा वो गाना मैंने फिर से सुना तो इतने मजे आए ना वो गाना सुन के, बेहद मजे आए। क्योंकि अब ऐसा कोई जॉनरा है नहीं ऑनेस्टली बताऊँ तो, इस तरह के गाने नहीं। तो आप वो आइडिया आया कहाँ से इस तरह के गाने बनाने का? एक्चुअली क्या होता है कि मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, जो क्रिएटिविटी होती है, कोई भी जब आप कोई चीज़ क्रिएट करते हो, कहीं से रेफरेंस लेते हो, आप किसी को देख के इंस्पायर हो जाते हो, या आप कभी कभी चोरी करते हो चीज़ों की, हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले ना आपका टाइम होना चाहिए। आपके पास अगर टाइम है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये ना कि आइडिया आया कहाँ से, ये आता है वेलापंती से। आपका बहुत सारा टाइम होना चाहिए, आपका कोई काम ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है आपको। कॉलेज में थे तब? हाँ मैं कॉलेज में नहीं था, वैसे तो मैं बिजनेस में ही था उस टाइम पे भी। अच्छा उस टाइम पे बिजनेस में? हाँ मैं उस टाइम पे भी था। आई यूज्ड टू बी अ डीजे दैट टाइम। मैं डीजे। आप डीजे थे? हाँ। अच्छा, तो मुझे लगता था कि जो गाने होते हैं वो गाने ऐसे होने चाहिए जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाए। अगर कोई बंदा डांस कर रहा है तो कनेक्ट कैसे कर पाएगा म्यूजिक के साथ खुद को? अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जो म्यूजिक बनता था उन दिनों में वो थोड़ा सा दूसरे टाइप का था, मतलब थोड़ा ट्रेडिशनल, थोड़ा सा पुराने टाइप का था, थोड़ा सा अच्छा था वो अपने हिसाब से। बट जैसे मैं एक डीजे था, तो डीजे होने से क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब जब मैं इलेक्ट्रॉनिक प्ले करता हूँ या दूसरे कोई पॉप में बाहर के प्ले करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार वो ज़्यादा अच्छे हैं। बड़ी पार्टीज में जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे हरियाणवी सॉन्ग्स को बड़ा फुद्दू माना जाता है आज भी, ठीक है। तो वो कहते नहीं ये क्या लगा दिया, हटाओ इसको, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं उस चीज़ के साथ। लैंग्वेज बैरियर के, लैंग्वेज की वजह से, लैंग्वेज नहीं म्यूजिक। ओह अच्छा। मैं ये मानता हूँ, मैंने करीबन लगभग 6-7 साल मैंने खुद डीजे प्ले किया है, मुझे पता है लैंग्वेज और लिरिक्स ये हमेशा सेकेंडरी होते हैं, म्यूजिक जो प्राइमरी है। कंपोजिशन, कंपोजिशन ओके। आपको कुछ नहीं चाहिए म्यूजिक के लिए, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, म्यूजिक नहीं चाहिए, म्यूजिक सेकेंडरी है, लैंग्वेज तो शायद तीसरे चौथे नंबर पे आते हुए कहीं। आप ये देखो कि आप कितने इटालियन, स्पेनिश, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो गाना है डेस्पासितो, क्या डेस्पासितो व्हाट्स बिगेस्ट सॉन्ग, 7 बिलियन है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो हमें तो समझ नहीं आता यार क्या बोल रहा है, बिल्कुल नहीं आता है ना। तो 200 देशों में बजता है वो गाना कैसे? तो अगर लैंग्वेज अगर प्राइमरी होती तो हिट नहीं हो सकता था वो, ठीक है ना। कई ऐसे गाने भी हिट हुए हैं बहुत बड़े जिनमें म्यूजिक ही नहीं है, बंदा वैसे ही कुछ गुनगुना दे मुंह से बैठा बैठा, समझ रहे हो? हाँ हाँ, जैसे कि अपने साउथ इंडिया में गाना हिट हुआ था वाई दिस कॉल एवरीडी, हाँ समझ, तो वो भी नहीं आया था। हाँ बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कंपोजिशन प्राइमरी होती है, ठीक है। मुझे जो आइडिया आया, मैंने ये सोचा कि यार कुछ मैं थोड़ा ऐसा सा करूं कि लोग उससे कनेक्ट भी कर पाएं, और जिसका म्यूजिक थोड़ा सा उस तरह का हो, थोड़ा वेस्टर्न हो, ठीक है, तो मैं शायद लोगों को कनेक्ट कर पाऊंगा कि लोग वैसा फील लें और लैंग्वेज भी उनको समझ आए।
ये मेरा उसके पीछे आइडिया था कि कुछ ऐसा करना चाहिए मुझे। तो ये जैसे आप बता रहे थे बिजनेस कर रहे थे, तो ये डीजे अब मतलब फिर कितने टाइम से थे तब, और वो डीजे बने कैसे एक्चुअली? यार ये तो लंबी स्टोरी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो मैं बताऊंगा, मैंने आज तक बताया नहीं कभी किसी। ठीक है, बेसिकली क्या था कि मुझे बचपन से ही ना इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा शौक था। घर में जैसे स्पीकर होता था ना, स्पीकर, तो मैं उसको खोल देता था और मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी कि साला बजता कैसे है, इसके अंदर से आवाज़ कैसे आती है। आई यूज़ टू बी, मतलब मेरे ख्याल से मैं होऊंगा 7-8 साल का होऊंगा उस टाइम, बिल्कुल छोटा सा। तो टेप रिकॉर्डर होते थे ऐसे ना, रेडियो जो बजता था उसमें ऐसे घुमा घुमा के ना ऐसे बैंड सेट करते थे रेडियो को। हाँ, FM तो उन दिनों में होता नहीं था, बिल्कुल छोटा सा रेडियो था जिसमें सेल डलते थे पीछे। तो मैं उसको खोल देता था छोटे से को, और कई बार मेरे दादाजी ने भी मेरी पिटाई करी उस चीज़ को लेके। वो जब भी लेके आते मैं उसको आते ही खोल देता दे। कि ये ऐसे घुमाने से ये ऐसे चल कैसे रहा है, अलग अलग इसमें आवाजें आ कहाँ से रही हैं, ये स्पीकर बज कैसे रहा है। तो वो बचपन से ही था। फिर ये बढ़ता गया, जैसे मैं बड़ा हुआ, 10th क्लास में हुआ, तो जब मैं 10th क्लास में हुआ तो मैं इतना मतलब इस चीज़ में घुस चुका था कि मैं स्पीकर घर पर बना लेता था 10th क्लास। हाँ, मैं मार्केट जाता था, वहाँ से मैग्नेट अलग, बास्केट अलग, उसकी कोन जो पर्दा जिसको बोलते हैं वो अलग, वो लेके आता था और अपने हिसाब से अच्छे से अच्छा स्पीकर बनाने की कोशिश करता था। ठीक है। मैंने अपने घर पे एक छोटा सा R&D सेंटर बनाया हुआ था जहाँ पे बहुत सारी मैग्नेट्स, कॉयल, उसके कोन, पेपर, वो सब पड़े रहते थे। और मैं देखता था कि मैं और ज़्यादा लाउड स्पीकर कैसे बना सकता हूँ, जो लाउड बजे, जिसके अंदर अच्छा बास हो, क्लैरिटी अच्छी हो। तो जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स के जो स्पीकर मिलते थे मार्केट में, मैं उनके अंदर काम करके, चेंजेस करके उनसे अच्छे स्पीकर बनाता था घर पे। ठीक है, ये काम करता था मैं 10th क्लास में। 10th के बाद जैसे 11th में हुए, 12th में हुए, तब तक करते करते मैं थोड़ा और इसमें चला गया। फिर मैंने अपने खुद के ना बॉक्स डिज़ाइन करने शुरू कर दिए थे कम्प्लीट। अच्छा। एट दैट टाइम आई वॉज डिज़ाइनिंग 3-way बॉक्स, 3-way साउंड सिस्टम। ठीक है। और मुझे ऐसा पता नहीं था कि ये पहले से बने बनाए आते हैं मार्केट में, क्योंकि हम गरीब लोग थे, हम कभी बड़ी मार्केट में गए ही नहीं थे, हमने कभी बहुत बड़े बड़े महंगे सिस्टम कभी देखे ही नहीं थे लाइफ में। तो मुझे ऐसा वहम था कि मैं ही बना रहा हूँ बस पूरी दुनिया में। अच्छा। और तब और नहीं बना रहा कोई भी? हाँ, क्योंकि मैंने कुछ देखा ही नहीं था। अच्छा। ये बहुत बहुत बचपन की बात है। ठीक है। और मैंने एक मिक्सर भी बनाया था उस टाइम पे खुद से, गत्ता जो होता है ना, ये पैकिंग वाला गत्ता, जो कार्टून बॉक्स जो होता है, वो लेके उसके अंदर कट करके मैंने फेडर लगाए, सर्किट डिज़ाइन किया पूरा, अपने TV पे लगाया घर में, कि एक फेडर ऊपर करूँगा तो TV बजेगा, एक फेडर ऊपर करूँगा तो गाना बजेगा, ये चलेगा, ऐसे चलेगा, FM चलेगा, ताकि हमें बार बार लीड ना लगानी पड़े। मतलब थोड़ा सा टेक्निकल था मैं। घर वाले थोड़े चौंक गए होंगे सब देख। नहीं, उनके लिए कोई खास बात नहीं थी, नॉर्मल चीज़ थी उनके लिए। अच्छा। मैं करता ही रहता था। हालांकि पापा जी मेरे को डांटते थे बहुत बार, क्योंकि मैं वो स्पीकर रोज फाड़ता रहता था, बनाता रहता था। कई बार मेरी पिटाई हुई कि क्या कर दिया तूने, फिर से खराब कर दिया। खराब भी बहुत किए मैंने। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों को पता चल गया कि भाई ये बंदा जो है अच्छे स्पीकर बनाता है, और जब भी इसके घर पे जाओ तो ये स्पीकर को खोल के बैठा होता है, स्पीकर, एम्पलीफायर, कुछ ना कुछ करता रहता है। मेरा एक दोस्त था, वो लोग कहीं से पूरा बड़ा साउंड सिस्टम खरीद के ले आए रोहतक में, बड़ा साउंड सिस्टम जिसको DJ बोलते हैं बेसिकली। सही। तो बेसिकली DJ वैसे तो आदमी होता है। हाँ। बट अपने यहाँ पे क्या था कि DJ सामान को ही DJ मानते थे, ये DJ है, वो साउंड सिस्टम है। सही बात है। तो साउंड सिस्टम ले आए तो वो उसको चला नहीं पा रहे थे समहाउ, उन्होंने उसको ब्लो कर दिया, मतलब उसको उड़ा दिया। ठीक है। ज़्यादा आवाज़ खोल दोगे तो ब्लो हो जाता, स्पीकर ब्लो हो जाता, उड़ जाता है। तो वो ढूंढ रहे थे किसी को जो उसका सारा सिस्टम को ठीक कर दे वापस। क्या इसको कौन ठीक करेगा, हमने तो ख़राब कर दिया। उन्हें मेरे को बुलाया उसने कि यार भाई हाँ एक बार चल। मैं गया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, चलो मैं देखता हूँ क्या चीज़ है। उस दिन मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े स्पीकर्स देखे। मैं देख हिल गया अंदर ही अंदर। ये क्या बवाल है, ये तो पहली बार देखा मैंने। तो भाई वो बोले भाई कर देगा तू ठीक इसने? मैं ओ कर दूंगा, ये केस होता है, इसे तो मैं रोज करूं। और अंदर से मैं बड़ा डरा हुआ, भाई बहन से पंगा ले लिया, यो होगा नहीं। लेकिन क्या है कि कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस होता है, मैं अरे कर दूंगा कोई दिक्कत ना है, पीछे दो थम। तो मैंने पैसे वैसे लिए, दिल्ली गया मार्केट में गया, सामान वामान खरीद के 10-15 दिन में मैंने वो सारा सिस्टम उनका ठीक कर दिया। ठीक किया, बजाया तो बड़े खुश हो गए। वो बोले भाई एक काम कर यार, मार दो, कोई बंदा नहीं है, इन्हें बजा भी तो लिया कर। अच्छा। तो मैं और अंदर खुश हो गया, मैं कहा वाह
बात बन गई। हाँ। अच्छा, मैंने उससे पहले कभी बजाया नहीं था लाइफ में, फिर मैंने डीजे प्ले करना सीखा, उस पर थोड़ी मेहनत करी। कहाँ से ये सीखा, कहाँ से? खुद से, खुद से, खुद से। फ्री की चीज मिल गई ना सीखने के लिए, किसी और का सामान, जरा भी ट्रेनिंग नहीं ली। कहाँ से लेंगे ट्रेनिंग? 2005 में कोई ट्रेनिंग दे रहा था क्या डीजे की? नहीं नहीं, ना हमें गूगल का पता था, ना इंटरनेट पता था, ना कभी कंप्यूटर देखा था लाइफ में, ना कभी माउस को हाथ लगाया था, ना कुछ पता ही नहीं था उस टाइम। तो शायद ये कर लो दुनिया मुट्ठी में भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था कहीं कहीं पे, ये उस टाइम की बात है। तो फिर मैंने डीजे प्ले करना शुरू किया, फिर मैंने सीखा कि इसको और बेटर कैसे करूं, मैं अपने आप को और अच्छा डीजे कैसे बनाऊं। फिर मैंने उस पर काम किया, धीरे धीरे मैं पॉपुलर होता गया, फिर मैं बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाने लगा, बड़े बड़े कॉलेजेस में मेरी रिकमेंडेशन आने लगी कि उसको डेविल को बुलाओ, लोगों ने मुझे डेविल बुलाना शुरू कर दिया। ये नाम कहाँ से आया था? ये मैंने खुद ही रखा। ठीक है, मैंने रखा था न्यू डेविल। न्यू डेविल, अच्छा, न्यू डेविल, वो वर्ड काफ़ी कैची सा, या मतलब ये बड़ा था कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे मेरे पास एक कुत्ता था उस टाइम पे, ठीक है, उसका नाम था ना समझ डोगी। ना स, वो कावर्डली द करेज द कावर्डली डॉग। तो मैं अपने उस प्यारे से कुत्ते को बुलाता था ना समझ डोगी। तो ना समझ डोगी का जो एन और डी जो था, हाँ। तो मैंने लिखा एन डी डी जे, ठीक है, मतलब ना समझ डोगी डीजे। अरे वाह, अब लोगों को बोलूंगा कि नहीं ये ना समझ डोगी है तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो बोलेंगे ना समझ डोगी कैसे हो गया। सही बात, मैं कहीं मेरे को ही ना कुत्ता बोलने लग जाए। तो भाई मैंने सोची कि मगा यार ये जो एन और डी है इसका कुछ तो सोचना पड़ेगा। अच्छा। लोगों को बताने के लिए, ठीक है, तो मैंने सोचा न्यू डेविल। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये न्यू डेविल हो गया। फिर धीरे धीरे वो न्यू हट गया क्योंकि पुराना हो जाता ना, फिर खाली डेविल रह गया, तो ये नाम वहां से पड़ा। ठीक है, फिर चलते गए, फिर काम चलता गया, काम आगे बढ़ता गया, मैंने अपनी स्किल्स को थोड़ा सा सीखा। ये फिर आप खाली रोहतक में कर रहे थे, बाहर भी कर रहे थे? रोहतक से थोड़ा थोड़ा बाहर जाने लगे थे हम। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बाहर इन द सेंस गांव में चले गए, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, फिर थोड़े से जैसे कलाम चले गए, गोहाना चले गए, 20-30 किलोमीटर चले गए, फिर 50 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर भी बुलाने लगे लोग। ठीक है, लोगों को बेसिकली मैं अच्छा लगता था लोगों को कि ये अरविंद जो है ना, डीजे जो डेविल जो है ना, ये अच्छा प्ले करेगा, हमें अच्छे से एंटरटेन कराएगा। ठीक है, तो ये एक स्किल थी। मैं जब मैं डीजे प्ले करता था तो मैं उस टाइम पे लोगों से कनेक्ट करता था, बीच में म्यूजिक रोकना, बीट मिक्सिंग करना, लोगों से बात करना, माइक लेके कुछ बोल देना उनके बारे में, लोगों को इकट्ठा करना, लोग डांस नहीं कर रहे हैं, लोग सुस्त पड़ गए हैं, उनको एनर्जाइज करना। तो वो चीज़ें मैं उस टाइम पे करता था जब कोई नहीं करता था, लोगों को नहीं पता थी ये बातें अपने इंडिया में कि ऐसा किया जा सकता है। फिर धीरे धीरे ऐसे 2007-08 आ गया। लिटरली आपने ये चीज खुद से सीखी है, किसी से, किसी को देख के? मतलब लिटरली खुद से सीखी, इसको भी क्या बोले हम। मतलब ये जो आप स्किल बता रहे हो ना, एकदम म्यूजिक, ये काफी पॉपुलर चीज है। हाँ, ये खुद से इन्वेंट करना कोई छोटी बात तो है ये नहीं। क्या होता है कि बहुत सी चीज हम लोग अपनी लाइफ में इन्वेंट करते रहते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता उस पर। राइट राइट, बहुत सी चीज इन्वेंट करते हैं हम लोग। इवन बर्तन धोना भी एक इन्वेंशन है। अब बर्तन कैसे धोया जाएगा, आप धोते धोते उसमें माहिर हो जाते हो, है ना, कोई सिखाता नहीं आपको। राइट राइट राइट, यार ऐसे धो दे जल्दी धुल जाएगा, कपड़ा धोना ऐसे धो दे जल्दी हो जाएगा, पोछा लगाना है। आप जैसे ही उस काम पे फोकस करते हो पूरे मन से और रोज उसी को करते हो ना, तो आप अपने आप स्किल्ड हो जाते हो। जरूरत नहीं है किसी चीज की, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं से आ रही है, सब में आती है, बस ध्यान नहीं देते। तो ये करते करते हमने फिर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें डाल दिया बिजनेस में, और बड़ा साउंड सिस्टम खरीदा, बड़ा लाइट सिस्टम खरीदा। तो धीरे धीरे फिर ये साउंड लाइट का बिजनेस हो गया, मतलब। तो फिर हमने कंपनी बनाई पहली बार, डीजे डेविल उसका नाम रखा हमने कंपनी का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराए, उसके नाम रखा, ऑफिस ऑफिस खोले, एक दो इवेंट्स करने शुरू किए हमने अपने खुद के, कि हम खुद का कोई फैशन शो कर रहे हैं, कोई एग्जीबिशन हम कर रहे हैं, इस तरह से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह आ गए हम लोग रोहतक सिटी के अंदर। ठीक है, तो ये बात है 2008-09-10 की। काफ़ी सारे लाइव इवेंट्स हमारे पास आने लगे थे, जैसे कोई आर्टिस्ट आएगा, कोई सिंगर आएगा, तो उसको साउंड सिस्टम चाहिए। हम पॉपुलर हो चुके थे तब तक। तो क्या सवाल क्या था? ये था कि जो डीजे की शुरुआत आपके, हाँ, वो ऐसे हुई। हाँ। और उसके बाद फिर आप म्यूजिक में कैसे है? क्योंकि बेसिकली आप थे तो कम्प्लीटली डीजे। हमारे इंडस्ट्री के एक बहुत अच्छे रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, मिस्टर गजेंद्र फोगाट। हाँ जी। तो गजेंद्र जी को मैं एक, मतलब एक बड़े भाई की तरह मानता हूँ। ठीक है।
हालांकि वो मुझे मानते या नहीं मानते, वो मतलब मानते ही होंगे शायद, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, बीच बीच में कभी कभी लोग आपस में थोड़ा सा नाराज से हो जाते हैं किन्हीं बातों को लेके, और कई बार नाराज होने के लिए बात भी नहीं चाहिए होती। एनीवेज, तो 2007 में मैं उनसे मिला, मेरे पास एक ना जीप थी, ओपन जीप जिसको बोलते हैं ना, जोंगा। हाँ, जोंगा। तो उनकी शूटिंग थी, उस शूटिंग पे मैं गया, उन्होंने मुझे बुलाया, उनको जीप चाहिए थी। अच्छा, जीप की। अच्छा, ठीक है। उनको गाने में जीप चाहिए थी, तो मेरे को उन्होंने बुलाया, मैं गया। प्लस उसके गाने के शूटिंग में उनको साउंड लाइट भी चाहिए था, तो उन्होंने साउंड लाइट भी मेरे से ही लगवा लिया। आपके पास था? मेरे पास तो था, लगा दिया। अब जो मेरी जीप थी उस पर आगे लिखा हुआ था डीजे डेविल, मैंने बड़ी बड़ी सी प्लेट लगा रखी थी उस पर लिखा हुआ था डीजे डेविल। मैं जहाँ भी उस जीप को लेके जाता था लोगों को पता होता था कि भाई डेविल आ गया। तो वो गाना जब शूट हुआ तो उनसे मिलना हुआ, मेरा उनसे मिलना हुआ तो बड़ा अच्छा लगा। शूट उस दिन मैंने पहली बार शूट देखा कि शूट कैसे होता है, ठीक है, ऐसे कैमरा चलता है, ऐसे होता है, रीटेक होते हैं। तो मेरा बड़ा मन किया, मगर यार मेरे को भी गाने बनाने चाहिए। अच्छा, वहां से ठीक है, वहां के कीड़ा लग गया। कीड़ा लग गया, 2007 की बात है ये। उस टाइम पे उनकी एक एल्बम आई थी पानी आँखियाँ का, बड़ी हिट हुई थी वो, इट वॉज अ सुपर हिट। तो उसमें मेरा भी कुछ रोल था, मैं उनके साथ जीप में बैठा था और एक दो गानों में और मेरे छोटे मोटे रोल थे। तो वहाँ से मैं, मेरे को लगा भाई मैं भी बनाऊंगा गाना, तो बनाना चाहिए। और हालांकि मुझे गाने का गया नहीं पता, ना तो मैं सुरीला, ना मेरे को म्यूजिक का ज्ञान, ना मेरे को म्यूजिक का ज्ञान, मतलब कुछ कुछ नहीं ज्ञान, ना कंपोजिशन, ना सिंगिंग, ना राइटिंग। अब मैंने घर पे बैठ के ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया, कुछ भी ऐसे ही कागज़ पे ऐसे ऐसे लिखता जा रहा हूँ, बस ऐसे पहरा सा बना दिया बस। ठीक है। और लिख के मैं उनके पास पहुँच गया, मगर भाई साहब मैंने गाना बनाना है। गजेंद्र जी के पास? हाँ। उन्होंने वो गाना देखा, वो हंसे, मेरा भाई यो के है यो यो गाना कौन है, यो गाना ना बन सकता। अच्छा। तो मैंने बड़ा अजीब लगा, मगर यार गाना तो और क्यों कर बनेगा, गाना लिख तो दिया, मगर लिख दिया, मगर इमने गाओ। सही बात है। तो उन्होंने मेरे को एक आदमी से मिलवाया, मुकेश वर्मा, जिसको मैक वी के नाम से जानते लोग। ठीक है। तू एक काम कर, तू इस आदमी दौरे चले आ जा, यो बना देगा तेरा म्यूजिक, और तू चले आ जा इस दौरे। मैं चला गया। अब उन दिनों में वो जो मुकेश वर्मा जी हैं उनकी भी शुरुआत सी थी, मेरी भी शुरुआत सी थी, तो जैसे तैसे एक बहुत छोटे से अमाउंट पे हमारी डील होगी। मेरे गाने बनाने हैं आठ। आठ गाने? हाँ। अच्छा, शुरुआत में ही आठ गाने? शुरुआत में ही आठ, और मेरे पास लिखे हुए नहीं थे आठ, वैसे बोल दिया। अच्छा। और मेरे को लिखना भी नहीं आता था। अच्छा। लिटरली। ठीक है। मुझे नहीं पता था कि गाना कैसे लिखा जाएगा। ये आठ नंबर क्यों बोल दिया कि एल्बम में कितने होते हैं? उस टाइम पे उन दिनों में ना एल्बम आती थी। हाँ। तो एल्बम में ना आठ गाने होते थे। हाँ। अच्छा। तो मैंने सोचा भाई मेरी एल्बम में भी तो आठ गाने होने चाहिए, हम पाछे थोड़ी रहेंगे। सही बात है। तो मैं यार आठ गाने होने चाहिए, तो पूरी एल्बम बना के मैं पहुंच गया। तो मुकेश वर्मा ने देखा कि भाई यो केस होता है, ये गाने तो कौन है, ये तो गलत लिख दिया आपने। तो फिर वो सुधारे, उन्होंने मेरे को काफ़ी सिखाया। अच्छा, उन्होंने सिखाया? हाँ, उन्होंने भी बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। अच्छा। ये बीट पे होना चाहिए, ये लाइन ऐसे है, ये अंतरा है, ये स्थाई है, ये ऐसे ऐसे लिखो। मैं अच्छा न्यू सॉन्ग है क्यों? क्योंकि डीजे होना एक अलग चीज़ है, ठीक है ना? सही बात है। और खुद संगीत बनाना, लिखना, कंपोजिशन करना, फिर उसको गाना उस ताल के ऊपर, और सुर में रहना, और सुरों के साथ ऊपर नीचे करना, एक अलग चीज़ है बिल्कुल। सही बात है। तो उन्होंने मेरे को सिखाया थोड़ा सा, और शुरुआती दिनों में जब मैंने, अच्छा इसमें एक और थोड़ा सा ज़बरदस्त काम हुआ उसमें ना, वो जो सात गाने बनाए थे हमने उस टाइम पे, आठवां नहीं बना उनमें सात गानों में से ना दो या तीन गाने मैंने गाए। हाँ। जो सबसे वाहियात थे, लेकिन चले, शायद चले भी वही। हाँ। जो सबसे वाहियात जो तीन गाने थे ना, कि यार ये सबसे कचरा है। हाँ। तो मुकेश जी ने बोला कि तू गा ले। और उस टाइम पे हम ये नहीं बोलते थे गा ले, वो मुझे बोलते थे ये गाने तू बोल ले, तू बोल ले। हाँ, तू बोल दे ये गाने। तो मैं बोलता था बेसिकली, गाना तो आता नहीं था ना। ठीक है। तो हम ऐसे फनी वे में बोलते थे कि तू तू बोल ले गाने, और ये वाले मैं गा लेता हूँ। हाँ। तो उन्होंने वो गाने गाए जिनके उनको बढ़िया लिरिक्स लगे, जो अच्छे लगे उनको, जिनकी कंपोजिशन अच्छी लगी, क्योंकि बाद में मैंने बहुत अच्छे लिखे थे जो कि
अच्छा शुरुआत के तो आपके पास थे? हाँ। शुरुआती लिखे हुए? अच्छा वो तो फुदू थे ना तीनों। वो तो ये देखे एक छोरा बका दिया, कुत्ता पर चला दिया, कुत्ता गया फौज में, नाचो सारे मौज में। लव डीप। हाँ तो उस टाइम ये बच्चों को बहुत पसंद आते थे गाने। मैंने लिखा ही बच्चों के लिए था, बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए। मैंने लिटरली बच्चों के लिए लिखा था, बच्चों को बहुत बड़ा पसंद आता ये गाना। और फिर जो है एक मैंने दारू वालों के लिए लिखा था, जो दारू वाले दोस्त होते हैं वो बेवर्ड की कंपोजिशन। दारू पी लो, दारू पी लो। एक जो मैंने लिखा था वही, वो क्या है कि कभी कभी इंसान का दिल टूट जाता है। मेरा भी उस टाइम पे टूट चुका था। क्या है कि इस उम्र में टूट ही जाता है साला, क्योंकि कई सारे इंसिडेंट होंगे, एक बार इसको टूटना ही होता है। और ये जो टूटता है ना वहीं से हम बनते हैं। सही बात यार। नहीं नहीं अखरोट ने फोड़ा जब भी तो सौदा पा रहा होगा, तो वो मामला था मेरा। तो फूटा तो बड़ा दुख सा था, तो वो बड़ा लिखा मैंने। मैंने देखी ध्यान ते आराम ते ईद तो कुछ और बोल, हरियाणा का एक और निकल के आ गया। तो वो लिखा तो मैंने बड़ी अपनी ना बड़ी अंदर की सच बातें लिखी थी उसके अंदर, जो मेरे साथ हो रही थी उस टाइम पे। अच्छा लिटरली वही एज इट इज मैंने उस गाने में लिख दिया सब कुछ, क्योंकि उसने जिसने दिल तोड़ा था उसने तो मैं बता नहीं पाया कदे भी। तो वो चल गया साला। हाँ वो अच्छा बन गया मतलब। हाँ वो तो स्टेज शो भी आपके बहुत। हाँ मैंने बोला उस गाने को स्टूडियो में, और बड़े अजीब तरीके से मैंने बोला। हाँ बोला, गाया तो मैं बोलता ही नहीं कभी भी। तो जब मैंने बोला तो वो मुकेश जी ने उसको थोड़ा सा ऑटो ट्यूनर से थोड़ा ऊपर नीचे करके कट कुट मार के उसमें उसको सेट कर दिया। अच्छा बन गया वो, अच्छा लगा लो। जब उन्होंने बना के और उसकी डमी मेरे को भेजी जिस दिन रात को, पहले सुन, मैंने जब वो गाना सुना तो मैं खुद रो पड़ा पहले तो। हैं मगर यार ये मेरी आवाज है ऑटो ट्यून के बाद। अच्छा मैंने उससे पहले कभी ऑटो ट्यूनर में मेरी आवाज सुनी नहीं। तो मैंने जब आवाज सुनी मैं हाल गया, मगर यो मेरा गाना है के। अच्छा मैंने एक दो दोस्त दौरे भेजा, ठीक है उन्होंने सुना भी भाई। वो भाई एक था दोस्त, वो देख के बात बोले, बोला भाई तो हमने भूलना चाहिए। यार कमाल है, क्यों कर भूल जाऊंगा मैं। तो ऐसे करके वो गाने चल गए, ठीक है ये हुआ। फिर वो गाने ऐसे ही उस टाइम पे, हालांकि यूट्यूब भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था, इंस्टाग्राम, इंटरनेट कुछ नहीं था, कुछ नहीं था ना। वो भाई साहब किसी भाई ने यूट्यूब पे डाल दिए। अच्छा हम लोग जैसे इवेंट में जाते थे, ठीक है हमारा तो डीजे का काम था ना, साउंड लाइट का, तो बजाते रहते थे ऐसे ही कहीं पे भी। तो कोई पेन ड्राइव में मांगने आ गया, उसने सुन लिया, बोला अरे वो बहुत बढ़िया गाना, किसका गाना है? तो मेरा कोई ऑपरेटर जो था डीजे पे, उन्हें पेन ड्राइव में डाल के दे दिया। उस भाई ने सुना, उसने यूट्यूब पे अपना कोई अकाउंट बना रखा था, हमें नहीं पता था साला कोई यूट्यूब है। अच्छा उसने यूट्यूब पे डाल दिया, वो यूट्यूब पे डाल दिया और यूट्यूब से ही फैल गया वो गाना। यूट्यूब से ही लोगों ने उसको देखना शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया। फिर कोई कंपनी वाले थे अपने, ये बड़े जानने वाले, बड़ी अच्छी कंपनी है दिल्ली की, सोनोटेक, ठीक है हरियाणा की मेरे ख्याल सबसे रिनाउंड कंपनी होती है वो। हाँ। आज भी है वन ऑफ द रिनाउंड। हाँ। तो वो भैया थे, उनका नाम दिनेश। हाँ। करा? नहीं जिन्होंने खरीदा, उन्होंने फिर मेरे को बोला कि ये गाना हमको दे दो, हम इसको रिलीज करेंगे। तब तक यूट्यूब पे अपलोड हो चुका था, उसके बावजूद भी उन्होंने, तो उन्होंने इसका फिर हमने एक छोटा वीडियो बनाया, बजट नहीं था ना ज्यादा। अच्छा और मैंने उससे पहले कभी वीडियो बनाए भी नहीं थे लाइफ में, तो वो आ गए तो कर दिया हमने छोटा सा वीडियो बना बनू के, 50,000 में वीडियो बना बनू के दे दिया उनको, उन्होंने सोनोटेक पे डाल दिया यूट्यूब पे, आज भी पड़ा हुआ शायद। फिर उसकी सीडी कैसेट, उसकी सीडी चली, उसमें बड़ा झोल हुआ मेरे साथ। अच्छा ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। सीडीज उन्होंने एक ही बार, हल्का सा बता दो, तो एक ही बार उन्होंने मार्केट में भेजी और मार्केट में बहुत ह्यूज डिमांड थी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जानबूझकर मेरी सीडियां मार्केट में नहीं भेजी गई। मेरे को खुद डीलर्स मेरे को फ़ोन करते थे कि भाई साहब की सीडियां नहीं मिल रही हमें, आप कंपनी को बोलो कि सीडियां हमें अवेलेबल करवाए। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं कहा ठीक है यार छोड़ना। ये कि सीरियसली क्यों नहीं ले रहे थे आप, मतलब जब डिमांड? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि किसको आर्टिस्ट बनाना है, किसको आर्टिस्ट नहीं बनाना है। अच्छा। तो कंपनियों के अपने बिजनेस की कुछ होती है प्रैक्टिसेस। आपने कभी बात कोशिश करी जब की यार करके? मेरे को नहीं फर्क पड़ता। अच्छा थोड़ा सा तो बुरा लगा होगा। हाँ कहीं लगा होगा थोड़ा सा। लगा तो होगा इतनी डिमांड के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने सुनना था ना उन्होंने सुन लिया, चाहे उसने YouTube से सुना, WhatsApp से सुना,
या कभी भी कैसे भी सुना, उसने सुन लिया, इतना ही होता है बस। सीढ़ियाँ कितनी बिकी मुझे नहीं इससे फ़र्क पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है कि लोगों ने मुझे सुना है उस टाइम पे। आपको अंदाज़ा नहीं इस बात का, अगर आप वो गाने आज के टाइम में रिलीज़ करते ना तो ट्रस्ट मी उन गानों पे जितनी हाइप मिलती ना। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये मेरा वहम हो सकता है, ये कौन है अभी जिसके गाने आए थे अभी पीछे पीछे, किस तरह के पंजाबी गाने बोल हरियाणवी गुलजार? नहीं नहीं, एपी ढिल्लो। अच्छा, एपी ढिल्लो। तो एपी ढिल्लो पाजी के जो गाने हैं ना, वैसे ही है वो सिस्टम सारा का सारा। मतलब आज म्यूजिक बनाने का सिस्टम भी अच्छा हो चुका है, स्टूडियोज अच्छे हो चुके हैं। उस उन दिनों में तो हमने तो दो छोटे छोटे स्पीकर दीवारों पर रजाइयाँ टांग के गाने बनाए थे, उनके स्टूडियो में तो अकूस्टिक भी नहीं था प्रॉपर। हाँ। माइक कौन सा लगेगा, प्लगइन्स कौन से यूज़ करने हैं, मिक्स कैसे करना है, मास्टर कैसे करना है, कोई टेक्निक्स नहीं पता थी ना किसी को भी। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ पता है कि आपके गाने क्यों चलते हैं, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में ना गानों की किल्लत आ चुकी है। और आप जिस तरह का टेस्ट दे रहे थे ना, वो लोगों को बड़ा भार है, क्योंकि ऐसी वो होता है ना कि यार कुछ अलग सा मिल गया। तो मैं आज के टाइम में आपको पता है, मैं आपको कुछ कॉमेंट्स पढ़ के दिखाता हूँ एक इंस्टेंटली, ठीक है? मेरे गानों पर? हाँ जी, अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो। देखो मैं आपको ना, मैं सच बताऊं तो बुरा, मतलब आपको बुरा ना लग जाए। हाँ जी, मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि कितना टाइम है लोगों के पास यार। अभी देखो रुद्राक्ष ने लिखा है कि कांट बिलीव आई यूज टू वाइब टू दिस सॉन्ग इन सेवंथ ग्रेड। फिर वसीम ने लिखा है फाइनली फाउंड इट आफ्टर ईयर्स कि इट इज हिलेरियस ब्लडी फनी एंड मजा आ गया। फिर किसी ने लिखा है ही वॉज द फर्स्ट रैपर ऑफ हरियाणवी। फिर एक ने लिखा है वेयर आर यू गाइज, इतना मस्त गाना है, 8 साल पुराना है फिर भी इट इज सो कूल, और क्यों नहीं बना रहे ऐसे सॉन्ग? और किसी, क्यों नहीं बना रहे, इसका जवाब तो मेरे पास है। अच्छा जी, आई एम फकिंग बिजी। और फिर मतलब मैं इसका जवाब तो ये देना चाहता हूँ कि मैं बनाना चाहता हूँ, अभी भी मैंने 10-12 गाने लिखे हुए हैं। आपके पास? हाँ, क्या बात कर रहे हो। हाँ। कुछ है ऐसा प्लान इन फ्यूचर? हाँ है प्लान। कुछ अपडेट्स दे सकते हो? नहीं, अपडेट तो क्या ही दूंगा, वो बनेगा थोड़ा सा तो दे दो। अजीब है थोड़े से। सेम जो ये बता दो, जॉनरा सेम होते हैं। हाँ, ये बता दो। हाँ, जॉनरा सेम बना, ठीक है? बिल्कुल अजीब ही होते हैं मेरे। और मैं आपको एक सरप्राइजिंग चीज बताता हूँ, शायद आप सरप्राइज हो जाओ, आपको विश्वास नहीं होगा, आपके फैंस फिलीपींस में भी है। फिलीपींस में हमारे पास 32 फिलीपींस से कमेंट्स आई थी, लव फ्रॉम लव यू इंडियंस, यू गाइज आर ग्रेट, कि आपने जो है आइड पीस का जो गाना है ना, ठीक है मैं बताता हूँ। तो जॉर्ज क्लोबो ने लिखा है वॉचिंग फ्रॉम फिलीपींस, थैंक यू इंडिया, वी लव यू। लिटरली आप ये मैं दिखा सकता हूँ आपको। फिर लिखा है कि ऐसी ऐसी 32 कॉमेंट से फिलीपींस से आई है। कमाल है यार। तो मुझे इसलिए कह रहा था कि तो फिर इसलिए मुझे ये लगता है कि लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक 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 चीज और मैं जरूर, मैं बहुत ईगर था 2010 में जब इंटरनेट विंटर नहीं था, तो आपको ये एकोन वगैरह के बारे में कैसे पता चला, एकोन हो गया और ये मुझे लोगों ने बताया। ये बात है 2007-08 की होगी मेरे ख्याल से, 8 की या 9 की रही होगी, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। ठीक है, उस टाइम एकोन के गाने आए थे, उसका गाना हिट हुआ था सबसे बड़ा, किसी बड़ी पार्टी में मैं डीजे प्ले कर रहा था उस दिन। ठीक है, और एक बंदा आया हुआ कोई बाहर से पढ़ पुड़ के, ये कहता होता है ना पार्टी में थोड़ा सा थोड़ा विदेश से आया होता है, कहता नीचे खड़ा खड़ा, जैसे मैं डीजे था तो थोड़ा ऊपर खड़ा होता था प्लेटफॉर्म बना के, वो मेरे को कहता एकोन एकोन एकोन, और मैं उसके कहना देखूं आड़ा आड़ा, मगर ये कौन है, क्या जग है इसका, एकोन एकोन कर रहा है, मन ने नहीं सोची वो मेरे तीनों कह रहा कौन कौन कौन। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट। ठीक है, वो बंदा फिर आ गया ऊपर, उसमें भी नहीं रुका जा रहा बेचारे, उसने एकोन चाहिए, उसने स्मैक दैट चाहिए, उसका दिमाग में दारू चढ़ रही उन्हें चाहिए, अरमन ने बेरा नहीं, वो के मांग रहा है ना मेरे धूरे। ऊपर आया वो तो वो बोला मेरे ते, बोला अरे भाई है कौन का गाना लगा दे, हरियाणवी बोल बोला। हाँ, वो था तो अपना देसी वाला, बोला अरे कौन का गाना लगा दे। ठीक है, ए कौन, यो कौन है भाई, वो मेरे तो बता रहे तना कौन का ना मेरा, ना यार बोला तू फूक दे रहे कड़े का डीजे तू, मतलब यार ना भी उसका गाना के बात होगी, मैं ले आवा कल। तो मैं गया, मैंने बेरा पढ़े, मगर ये सुना है कौन कौन है। तो
मैंने उसकी सीडी खरीदी, ठीक है, एकोन की, ठीक है, मैंने उसके गाने सुने और मैं उसका फैन हो गया। मगा यार बंदा यार है? गाने यार, है और यार भाई आर्टिस्ट है ना, कंपोजिशन सुनो ना, कमाल है। मार तो उस टाइम पे भी थी अंग्रेजी गाने, अंग्रेजी गाने बोलिया करते हम उस टाइम पे, इंग्लिश गाने ये वो ये चालिया करते उस टाइम, ये ब्राजील ब्राजील एक वो चालिया करता कु 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 कु, ये तीन चार गाने थे बस, गिने चुने यार। एक वो था ला 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 ला, ऐसा कुछ करके, सही बात। तो ये गणे गाने ना थे मेरे ख्याल से, 10 गाने होंगे मुश्किल थे, ये चालिया करते मैं थे मार थोड़े, बट ये कौन बाद में आया था, ठीक है, उस बंदे की वजह से। फिर मैंने सुना तो फिर मैंने फिर सारे सुने, फिर मैंने सारे सुने, फिर मैंने डूब गया उस दुनिया में। मगर यार ये अलग दुनिया है, हम जिस दुनिया में आए अलग दुनिया है। तो मैंने सोचा मगर यार कोई बीच सी का रास्ता नहीं पा जा। अच्छा तो फिर मैंने ये गाने इसे इसे बनाए। तो जब ये आप ये जब आप बात कर रहे थे कि आप के जो म्यूजिक क्रिएटर्स थे, जब आप उनके पास जाते थे कि भाई मुझे ये कंपोजिशन चाहिए, तो वो ये नहीं बोलते थे कि यार ये क्या उठा रहा है हरियाणा में, नहीं चलेंगे। उनको बड़ा अजीब लगता था। हाँ, हाँ, वही वो बड़े हंसते थे, मतलब मुकेश वर्मा जी जो है वो बड़े हंसते थे और उन्होंने बड़े फनी वे में काम किया, मतलब ये बना दिया यो, क्या बना रहे हम ऐसे, मतलब के लिख दिया यो, के बोल दिया तने यो, ऐसे होता था मतलब, ठीक है। तो आपका जो मैंने यूट्यूब पे देखा है लास्ट गाना आया था ताती ताती, उस गाने पे 7,000 प्लस कॉमेंट, 12,000 सॉरी, आज दे दो उसमें फर्जी हैं, मन नहीं करवा रखे हैं। हाँ हाँ पीछे देखा हो जाए। अच्छा वो गाना, लेकिन जितने भी उस पर बढ़िया कमेंट है ना, हाँ, वो सारे फर्जी हैं, ठीक है, वो मन नहीं करवा रखे। अच्छा ऐसे हो जाता है? और के पीछे दे जब हो जाए, ये बात भी मैंने इब्बे बेरा लगी। अच्छा अगर न्यू न्यू मामला है पैसे दे के कॉमेंट करवाओ। एक्चुअली हुआ क्या, ये गाना चल जाता थोड़ा बहुत तो, हाँ इसमें भी मेरे से दो तीन गलतियाँ हो गई मेरे से। इस ये गाना अच्छा कमर्शियल गाना बन सकता था। क्या होता है कि जब आपकी टीम अच्छी नहीं होती ना तो गलतियां हो जाती हैं। ये गाना चलना था, फिर क्या हुआ कि ये जिस दिन गाना रिलीज हुआ तो कुछ लोग होते हैं जो हमसे चिढ़ते होते हैं, ऐसे होते हैं लोग, और हमें पता नहीं होता कि वो कौन है कभी कभी, क्योंकि बिजनेस में तो हमें पता होता कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, ठीक है ना, बट जिस इंडस्ट्री में आप नहीं हो वहां पर आपसे कौन जलता है, आप कैसे आइडिया लगाओगे। तो जिस दिन ये गाना अपलोड हुआ, सोनी चैनल के ऊपर अपलोड हुआ था ये, तो अपलोड जब हुआ तो किसी ने मुझे बताया कि कोई आपसे जलता है और इस पे सारे के सारे डिसलाइक आ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो कोई आपको इस गाने को उठने नहीं दे रहा, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम होता है ना कि जो गाना अच्छा लगेगा, जिसके व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, ज्यादा कमेंट्स आएंगे, सही है, सही वो है। उसको रिकमेंड करना शुरू कर देता YouTube। हाँ, सही बात है। लेकिन अगर उस पर डिसलाइक ज्यादा आने लग जाएंगे तो YouTube उसको रिकमेंड नहीं करेगा, हाँ, और उसको रोक देगा वहीं पे। जी, बिल्कुल सही है। तो मेरे साथ वही हुआ। तो जैसे ही गाना अपलोड हुआ तो कोई बैठा था वेट में, उसको पता था आज गाना आएगा और ये गाना हमने डिसलाइक करना है, तो उसने कोई 2-4 हज़ार रुपए किसी को दे दिए होंगे और उसने दे डिसलाइक। अच्छा हाँ। तो मेरे को किसी ने फोन किया कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है, बोला गंदे से गंदे गाने पे भी ऐसे डिसलाइक नहीं आते कभी। ये सोनी वालों ने बताया? सोनी वालों ने भी बताया और एक दो जो लोग थे साथ में उन्होंने भी बताया, क्योंकि भाई ये आपने सोनी से लॉन्च कराया था। हाँ, उन्होंने बोला यार कुछ गड़बड़ हो गई आपके साथ और ऐसे हो गया है। तो उन्होंने मुझे कुछ एग्जाम्पल भी दिए बड़े बड़े आर्टिस्टों के, उनके साथ भी ऐसा पहले हो चुका है। ठीक है, बोला आपकी किसी के साथ कोई कॉन्ट्रोवर्सी है क्या? मगर ना यार, मेरी तो कौन है किसी के लिए इसी। अच्छा, फिर मुझे लगा मगर ठीक है यार, मरण तो सड़न है, हमने क्या कहना है। ताती ताती के बाद है ना, फिर फ्लो जो है वो फेज है वो गानों की तरफ से बिल्कुल क्लोज हो चुका था। नहीं, मैं ऐसे तो लिख देता था कभी कभी, लेकिन मेरा ध्यान जो है ना वो थोड़ा सा काम धंधे पे ज़्यादा है आजकल। क्या है कि आदमी को पहले रोटी खानी ज़रूरी है सबसे पहले। अच्छा ऑनेस्टली बताना, ये सही, बिल्कुल ऑनेस्टली, ये कभी ड्रीम रहा कि यार मैं ऐसे, जब ऐसे हम, सिंगल जब हम किसी को बोलते हैं कि आप ऑनेस्टली बताना, तो क्या हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि अब सामने वाला जो बताएगा वो ऑनेस्टली बताएगा? नहीं। ये है तो नहीं, पर फिर भी ये जब हम बोल देते हैं किसी को, वैसे ही ऑनेस्टली बताता हूँ सब कुछ। तो आगे से आपका इंटरव्यू में टाइम बच जाएगा। नहीं, ये मैं ऑनेस्टली मैंने इसलिए बोला ताकि आप ना थोड़ी और दिल की बात बता दो, बिल्कुल कि आपके माइंड में था ऐसा कि यार मुझे एज ए सिंगर पॉपुलर होना है। बहुत बार आज डीजे तो आप बन चुके थे, अच्छे आज भी है, मन तो करता है, अभी भी है वो, और क्या कीड़ा बचा हुआ है। मैं सबसे अच्छे गाने बोलना चाहता हूँ आज भी। बोल।
मेरा मन करता है मैं सबसे अच्छे गाने ये चीज आप कंटिन्यू रखोगे बोलने वाली भाई बोल ही सकता हूँ मैं गा तो सकता ही नहीं मैं क्यों झूठ बोलूं है कि नहीं व्हाई टू लाई यार गाने का गाना गाने का काम है गाने वालों का गायकों का कलाकारों का हम तो बोलते हैं बोल दिया थोड़ा ठीक ठीक सा बोल दिया उस पर प्लग इन लगाओ और उसको और अच्छा बना दो तो लोगों को लगे गाया है बट हमने तो बोला ही एक हिसाब से उसके बाद फिर आपने ऐसे कभी मैं गाना उसको मानता हूँ जिसके ऊपर आपको प्लगइन्स यूज़ ना करने पड़े जिसको आपको एडिट ना करना पड़े अगर कोई ऐसा है गाने वाला तो है गाने वाला और अगर आपको उसकी आवाज़ को उसकी वेव्स को डाल के और उसको कट करके और उसको ऑटो ट्यून से अप डाउन करना पड़ रहा है तो मैं उसको बोलना ही मानता हूँ कि बोला है गाया नहीं है बोला है ठीक है ये काफ़ी डिफरेंट एंगल वाली बात ये बोलना होता ये बोलना तो फिर उसके बाद गानों के बाद फिर आपने कम्प्लीटली बिजनेस पे ही फोकस कर दिया हाँ और क्योंकि कोविड में भी जैसे हमारी इंडस्ट्री काफ़ी डाउन थी हमने एक ऐसा फेस देखा तो हमें लगा कि थोड़ा सा हमें स्टेबल होना चाहिए अपने काम धंधे को लेके और एक टाइम पे जब आप बहुत चीज़ों पे फोकस करते हो तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाते हो आपका फोकस लाइन में होना चाहिए सीधा क्या कि तीर मारना है ना निशाने पे तो एक आँख बंद करनी पड़ती है आँखें भी दो साथ नहीं देती जब तीर ठीक जगह मारना हो तो आप एक साथ काम कई करोगे तो कैसे होगा फिसल आदमी ना न्यूनगा ना न्यूनगा फिर ना गाना बढ़िया बने ना बढ़िया बोलिया जावे सही बात सही है ना काम धंधा भी चौपट हो जाएगा फिर वीडियो बढ़िया नहीं बने हैं फिर पीछे नहीं बचे फिर उसका प्रमोशन भी ना हो बढ़िया सुगड़ते थे पिटेगा वो तो पहले पीछे कमा लो थोड़े अब भाई गाना बना लेंगे बढ़िया सा तो मैंने सोचो ये जो अगला गाना बनाऊंगा तो थोड़ा बढ़िया बनाऊंगा किसे ठीक ठाक से आदमी के लिया हमें मिल रहा है थोड़ा हल्का हल्का क्लू मिल रहा है यहाँ से बताने की जरूरत अच्छा ये एक चीज़ और बताना कि आपने बिजनेस में साथ भी किया म्यूजिक भी कर रहे थे कभी अच्छा डीजे तो आपका ये था कि स्टार्टिंग में प्राइमरी इनकम स्ट्रीम रहा होगा मेरी ख्याल से उसके बाद क्या कभी गानों से प्रॉफिट हुआ जितने भी निकाले कभी नहीं हुआ लॉस में गए या फिर रिकवर हुए थोड़े बहुत मैं इसको लॉस नहीं मानता ब्रो क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था लॉस कैसे बोलूं मैं इसको लॉस होता है कोई चीज खो दिया आपने क्या लॉस होता है यार आपने लगा दिए पैसे किसी और के पास चले गए घूम फिर के तो आएंगे हमारे पास ही पैसा कोई खा तो सकता नहीं अगर किसी को वहम हो गया वो कि मैं खा लूंगा उसका वहम है नहीं खा सकता साला मर जाएगा खा गया तो और डीजे डेविल ने कभी अपना नाम एक्सपोज कहीं सोशल मीडिया पर नहीं कर रखा नहीं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है गानों में कभी नहीं मैं ज़्यादा मेरा उसमें है नहीं ना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा खुद की आइडेंटिटी एक्सपोज करने में ऐसा कुछ कि भाई क्या है बात वही आ जाती है भूपेंद्र भाई कि आपको फोकस करना पड़ता है उस पर ठीक है ना उस पर कंटेंट उस तरह का डालो फैन फॉलोइंग बनाओ ब्लू टिक ले लो अकाउंट वेरीफाई करवा के और उस पर फिर बात करो दूसरे आर्टिस्टों से मिलो मार्केट में इंडस्ट्री में एक्टिव रहो ठीक है कुछ ना कुछ करते रहो कहीं ना कहीं स्टेज पर दिखते रहो ठीक है कभी कभी कहीं ना कहीं बिना बुलाए भी पहुँच जाओ है ना कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो कोई ऐसे ही दूसरे लोगों को खाम खाई कंट्रोवर्शियल बातें करो हिट होने के लिए ना बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं ये 24/7 जॉब है आर्टिस्ट बनना ठीक है ना उसके लिए एक अच्छी खासी टीम भी रखनी पड़ती है आजकल दिखावा बड़ा करना पड़ता है दो चार लोग साथ रखने पड़ते हैं तो मुझे वो ज़्यादा चीज़ें अभी करने का टाइम नहीं है क्योंकि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो उससे कहीं बड़ी हैं और अभी मैं आप मुझे पता है आपके पास अभी बहुत कम टाइम है तो लास्ट में आप करंटली ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने काफ़ी कुछ एक्सपेंड कर लिया है म्यूजिक इंडस्ट्री के अलावा तो अभी आप करंटली कौन कौन से बिजनेसेस में अगर मैं पूछ सकूँ तो उसके बाद अभी मेनली हम लोग वी आर इंडियाज लार्जेस्ट ट्रस मैनुफैक्चरर जो हम एल्यूमिनियम के पोर्टेबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए प्रधानमंत्री जी के लिए मतलब उनके इवेंट्स के लिए हम लोग बहुत बार काम करते हैं बड़ा अच्छा लगता है बड़े बड़े एग्जीबिशंस में बहुत बड़े बड़े जो स्टॉल होते हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं जैसे टाटा के लिए हम लोग बना रहे हैं इस बार पहले भी हमने बनाया था अभी आदित्य बिरला ग्रुप का जो एक अवार्ड हो रहा है बहुत बड़ा उसमें हमने पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रस्ट हमने बनाई है वहाँ पर जो स्ट्रक्चर लगेगा और हमारे पास आज के दिन वी आर वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एंड नंबर वन इन ट्रसिंग उसके लिए हमें एक दोबारा अवार्ड भी मिले हैं बेस्ट ट्रसिंग कंपनी ऑफ द कंट्री
उसके अलावा हम आजकल जो है एल्यूमिनियम की जो प्रीमियम बाइक्स होती हैं साइकिल, वो भी हम बना रहे हैं। और काफ़ी सारे बड़े ब्रांड्स, बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड हैं इंडिया के, मैं नाम तो नहीं लूँगा खैर अभी, उन सब मोस्टली ब्रांड्स के लिए हम उनको OEM करके देते हैं। ओके तो उनका मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पर होता है, हम सप्लाई करते हैं उनको पूरा बना के। प्लस हमने अभी पीछे कुछ टाइम पहले ना अपना ब्रांड भी हमने लॉन्च किया खुद का, लूसीफर बाइक्स। ओके तो lucifer bikes.com हमारा वेबसाइट है, उस पर आप जाओगे तो आपको हमारे प्रोडक्ट्स भी दिख जाएंगे। उस पर मैं आजकल थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ। पीछे हमने कोविड से पहले भी किया था हरियाणा एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक अवार्ड्स। हाँ एग्जैक्टली, वो काफ़ी बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज किया था, बहुत बड़ा हमने कोशिश की थी, वो भी हमने किया था उस टाइम पे। इस बार हम उसको और बड़े फॉर्मेट पे लेके आ रहे हैं, गुड़गांव में कर रहे हैं फरवरी में। और हमारी प्लानिंग ऐसी है कि इस बार वो इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा अवार्ड शो होगा। कब कर रहे हो? फरवरी में। वैसे डीजे डेविल अरविंद भाई, अगर अभी तक किसी सबको नहीं पता चला है तो ये जो खतरनाक सी चीज़ है इसके पीछे ये एक सिंपल सा नाम है अरविंद। हाँ अरविंद। तो अरविंद भाई बहुत बहुत बढ़िया लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। जी भाई, कि मैं तो बहुत एक्साइटेड था आपकी स्टोरी जानने के लिए और अब एक सेटिस्फेक्शन सी मिल गई है। और इन फ्यूचर आपका जो मैंने कहा कि अगर कोई म्यूजिक अगर निकल के आता है तो डेफिनेटली आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो मास्टर कैमरा में देख के आप ये बोल दो कि वेग सिनेमा को सब्सक्राइब कर लो। भाई वेग सिनेमा को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और आपको मज़ा आया बात करने में? हाँ अच्छा लगा मुझे, बहुत तो नहीं ओपन होना अच्छा लगा, क्योंकि मैं ज़्यादा मिलता नहीं हूँ लोगों से, तो अच्छा लगा मुझे। ऐसे वाहियात सवाल तो नहीं पूछ लिया? कुछ ऑफेंसिव तो नहीं पूछ लिया? नहीं ऑफेंसिव होता तो मैं भड़क जाता। कुछ रह गया हो ऐसा? कुछ नहीं था भाई, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। आपकी तरफ से कुछ रह गया बताना अपने फैंस के लिए जो फिलीपींस? तो ऐसा है कि बातें करते जाओ बाल की खाल उतारते जाओ तो बातें तो होती जाती हैं, बातों में से सवाल भी निकलते जाते हैं और बातें होती भी जाती हैं। आपके जो आज भी फैंस हैं उनके लिए कोई मैसेज जो अभी भी कमेंट करते रहते कि यार सातवीं क्लास में सुनता था यार ये गाना क्या? हाँ मैं उन सारे भाइयों को कहना चाहूँगा कि आजकल बहुत अच्छे अच्छे यंग आर्टिस्ट आए हुए हैं, उनके गाने सुनो, अच्छे गाने सुनो, जो गाने गाते हैं उनके गाने सुनो, जो अच्छा गाना लिखते हैं जिनके गानों का कोई मतलब निकलता है वो सुनो, प्लस नशे से और ड्रग्स से बच के रहो।